नमस्कार प्रणाम। जितना भी लोग हमके पसंद करेला प्यार करेला सबके गोड़ छूके गोड़ लगत नहीं, और आप सबके बीच में काले को हमर समझी कि हमारा दिल के करीब रहे वाला चीज, दिल के दिल से जौन काम कैले बनी जाना फिल्म के नाम बकुल्ली नंबर वन, रतन कुमार गिरी प्रणाम बाबा, देवेंद्र सिंह राजपूत लव यू भाई, सबके लव यू, बीरू यादव जी, अंकित जी, सबके सबके प्रणाम, पैर छुके प्रणाम। शक्ति त्रिपाठी जी गोड़ लगा दनी बाबा, बस एगो धनंजय सबके सबके प्लीज क्यों के नाम लेता, अगर नाम सबके ले शुरू करब तो शायद अंकित पांडे गुड़ लगत बाबा, सबके प्रणाम करता नहीं, राकेश कुमार जी सबके। एगो हमारे कल सिनेमा रिलीज होता जौन बड़ा दिल के करीब बा हमरा, और एक सच्चाई जौन आज के जमाना में बा, कोशिश के लिए बनी एगो अच्छा सिनेमा करे के जगह, और वही बैनर के जौन बैनर के राजा जानी जिला चंपारण, और वही डायरेक्टर हैं हमारे लाल बाबू पंडित जी, सुरेंद्र भैया जो प्रोड्यूस के लिए बनी के, अमरेश जी लव यू भैया, रतन गिरी जी बाबा प्रणाम गोड़ लगा दनी, कुमार प्रणव लव यू भाई, तो प्रणव है गोपालगंज से मेरा भाई है, लव यू भाई, अभिनव अभियन मिश्रा लव यू भैया, लव यू गोड़ लगा दनी, तो भाई हमारा अंग्रेजी बहुत नीमन है सभी जानते बा, ब्रजेश लाल यादव जी भाई हम पढ़ा लिखल कम ही थोड़ा सा, ऐसे थोड़ा सा केहू के नाम बोले में अंग्रेजी में प्रॉब्लम होके तो करे कति क्षमा करिए लोग के, ऐसे जे अभी भाई चढ़ा वाला आदमी के औकात कतना हो पड़े खाती। और ये हमारे ओरिजिनल आईडी हमारे वही से लाइव आइज बनी, ये हमारे पेज है, बहुत हमारे फेक कुछ आईडी बना के लोग, और देखे हमारे ब्लू टीक हुई वह हमारे ओरिजिनल है, हम बता देता नहीं इससे, बहुत लोग कुछ हमारे बहन सन के ब्लैकमेल कर रहे हैं मेरे नाम पे मेरा आईडी बना के, तो उसके लिए मैं आप सबसे बोल रहा हूँ ये जितना हो सके आप इसको शेयर करिएगा ताकि मेरी ओरिजिनल आईडी लोगों तक पहुँच जाए, और लोगों को बताने का आप लोग भी काम करिएगा। तो ये सिनेमा हमारे वो कल रिलीज होता है कुल्ली नंबर, जाना के गाना बहुत बड़ा वायरल बा, कि तेरे संग कभी नहीं जाऊंगा होटल तो वीडियो बना के कर देगी वायरल, और धनिया आचारा से कला तानी का भार दे द गलिया चूमे के हा बरहाबा, एगो अरे ओढ़नी के रंग हरियर बा लागे लाइन के लियर बा, ये गाने तो होते ही रहते हैं। तो मैं मेरे जहाँ तक सवाल है कि गाने बजाने तो आप लोग सुनते ही रहते हैं, अभी एक मेरा दो गाने रिलीज हुआ है इधर, और एक दिन में दो दो मिलियन हो गया, एक तो आज रिलीज हुआ है जो कि मुझे लगता है कि वो छः घंटे में 8 से 9 लाख है कि 7 लाख है कुछ ऐसे ही, मैं देखा नहीं अभी लेकिन झटके से देखा तो कुछ 6 साढ़े 6 7 लाख के आसपास था 5 घंटे में, काजर करके चले चित कबरी, और एक और गाना है कि जेसीबी से कुर्दी जवानी रजो जो कि लोटस से है, और एक एसआरके म्यूजिक से है, और आप लोगों को एक बहुत खूबसूरत सिनेमा जो मेरा था संघर्ष, उसी बैनर के और उस कंपनी का नाम है वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड, जिसने ये सिनेमा बनाई थी वही मेरे जितने भी इसके गाने हैं कुली नंबर वन के, और कुछ ऐसी भी फिल्में हैं जो मेरी, शेरा यादव लव यू भैया, शेरा भैया लव यू प्रणाम, सबके प्रणाम सबके प्रणाम, तो जिसके ऑनर है रत्नाकर भैया मेरे बड़े भाई हैं जिन्होंने बहुत खूबसूरत सिनेमा बनाई थी, और मेरे जीवन में देखा जाए तो उसका बहुत योगदान है उस सिनेमा का जिसका नाम संघर्ष है, उसी कंपनी से मेरा ट्रेलर भी रिलीज हुआ है और वीडियो बना के कर देगी वायरल, बहुत सारे जो कुल्ली के गाने हैं सब वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड से है, तो आप उसको सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। इधर भी दो मेरे गाने रिलीज हुए हैं, जेसीबी से कुर दी जवानी और एक काजर करके चले चित कबरी जो एसआरके से है और वो लोटस से है, तो उसको भी सब्सक्राइब और ढेर सारा प्यार दीजिए, क्योंकि आपके प्यार के बिना
हम लोग की जीवन बड़ी अधूरी होती है। तो बस गुड्डू यादव गोपाल गोपालपुर लव ही गुड्डू भैया, सबके प्रणाम। गोविंद यादव, शेरा यादव, लव ही सबके प्रणाम। और चिंटू ओझा गोड़ लगते नहीं बाबा, सबके प्रणाम। देवेश यादव जी लव ही के भाई, भाई हमार प्रणाम भैया। आतिश उपाध्याय गोड़ लगते नहीं बाबा। तो बस मैं आप सबसे एक गुजारिश करने आया हूँ कि आप लोग अपने भाई को इतना प्यार देते हैं और इतनी मोहब्बत देते हैं, शायद कर्जा मैं आप सबका आजीवन नहीं चुका पाऊँगा। कोशिश रहती है जो हम आपके दुखों में रहें हमेशा। कभी कभी शूटिंग में व्यस्त रहते हैं इसलिए हम कभी कहीं नहीं आ पाते हैं किसी की तकलीफ में, तो उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन एक मैंने सिनेमा बनाई है एक माँ बाप के ऊपर, क्योंकि आप भी किसी के माँ बाप होंगे आने वाले भविष्य में। तो वो सिनेमा अपने माँ बाप के साथ बिल्कुल देखने जाइए, क्योंकि बहुत कम ऐसी सिनेमा होती है जिसके लिए मैं बोलता हूँ। जो अच्छी सिनेमा होती है मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसी के लिए बोलूँ, ताकि आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं हो कि खेसारी तो हर सिनेमा के लिए बोलता है। देखिए हमारे बेटे की तरह हमारी सिनेमा होती है, हम हर सिनेमा के बारे में बोलते हैं, लेकिन जिस सिनेमा के बारे में विशेष बोलते हैं उसमें कुछ विशेष होती है। यादव दीपक जी प्रणाम भैया, सुजीत सिंह जी लव ही भैया, सुजीत भैया, योगेंद्र यादव, टुनटुन लव ही, सबके प्रणाम, सबके गुड़ छुके गोड़ लगत नहीं तू, सभी हमारा खातिर गार्जियन स्वरूप भवे, हम बहुत छोटा बानी। पिंटू बाबू, पवन सिंह लव ही, पिंटू भैया, पवन भैया, सबके प्रणाम करत नहीं। अमित पांडे, अंकित पांडे गोड़ लगत नहीं भाई, ऐसे हर ब्राह्मण कुल के लोग हमारा खातिर पूजनीय होला, तो जो छोटो होला ओकरो के गोड़ लगे। ऐसे जो हमने के यहाँ के पंडित जी छोटो रही ले ना, तो हमारे बाबूजी भी, बाबूजी चाहे हमारे चाचा वाचा सभी लोग हमने के कितनों बड़ बनी जाता, लेकिन गोड़ लागे ले जाके। ऐसे जो ब्राह्मण कुल के पद बहुत ऊंचा होला और ब्राह्मण कुल के प्यार बहुत अपार होला। ऐसे पिंटू बाबू, पवन सिंह लव ही, पिंटू भैया प्रणाम, भैया पिंटू भैया प्रणाम, गुड्डू यादव जी गोपालपुर लव ही, सबके प्रणाम, सबके दिल से प्रणाम। तो बस एगो गुजारिश बा कि नज़दीकी सिनेमा हॉल और ऑल ओवर इंडिया रिलीज होता वो सिनेमा, एगो खूबसूरत सिनेमा बनावले मनी हमारे लाल बाबू पंडित जी, जबकि मुन्ना सिंह जी यादव लव ही, मुन्ना भैया सबके प्रणाम, मुन्ना भैया, कुमार शैलेश लव यू शैलेश भाई, प्रताप कुमार राजद लव यू राजद, लव ही प्रभात कुमार भैया सबके प्रणाम, सबके प्रणाम। अंकित पांडे प्रणाम बाबा प्रणाम। तो बस हम यह चाहब कि अरुआ लोग इन काल अपने भाई के प्यार और आशीर्वाद देवे खाती, और पटना से जौन जे जौन ऑफिस से रिलीज होता हमारे बड़े भाई जेकर नाम है प्रशांत निशांत, उनके ही ऑफिस से ही रिलीज होता है सिनेमा, जबकि बहुत सारा सिनेमा हमार रिलीज वहाँ के कहले बनी। तो और काजल रघवानी जो में हीरोइन बनी। तो बस प्यार देवे खाती अरुआ लोग इन हॉल तक जाई, कन्हैया पांडे जी गोड़ लगते नहीं बाबा प्रणाम बाबा। तो बस और जितना भी हमारा गाना रिलीज भइल बा वर्ल्ड वाइड से, वर्ल्ड वाइड के सब्सक्राइब करी और ढेर सारा प्यार दी। और काजर का के चले चितकबरी भी गाना जो रिलीज भइल बा बहुत मोहब्बत ओकरा मिलता। और एगो जौन पवन पांडे जी हमार बड़ भाई गाना लिखले बनी जना जेसीबी से कोड़ दी जवानी, वो लोटस सेवा जौन की एक दिन में हमारा बहुत था कि 2 मिलियन कम से कम 20 लाख लोग ऑडियो देख ले हल। तो सब रुआ सबके प्यार है, हमने के कोशिश करी ले जा कि कुछ अच्छा करी सा। मुन्ना भैया लव यू लव यू लव यू टू, मुन्ना भैया पिंटू भाई लव यू सबके प्रणाम, सबके प्रणाम। तो बस हमारे एगो अपील बार वो सबसे गुजारिश बा कि ये सिनेमा के जरूर देखब, ऐसे जे कुछ तो सीखे के जरूर मिली। हम कोशिश कैले बने कि एगो सामाजिक और जौन बार बार लोग सिनेमा पर की अश्लीलता है, चुम्मा लेना चुम्मा देना ये करना बेड सीन करना फालतू, वो चीज़ें से हटके मैंने एक काम किया है भैया जी। डॉक्टर मिंटू चौबे गोल लगता नहीं बाबा, गोल लगता नहीं भैया, रांची अच्छा मिंटू भैया गोल लगता नहीं, बड़ा प्यार मिलता है भाई मिंटू भैया का हमें जब भी हम रांची जाते हैं। तो लव यू सबके प्रणाम। तो हम ये कहब कि बस आशीर्वाद देवे खातिर रवा लोगिन जरूर कल जाई और बता दी कि रवा लोगिन के अपने भाई अपने बेटा अपने खेसरिया से कितना प्यार करी ले। ऐसे जे रौरा प्यार के बिना पूरी दुनिया अधूरी है हमारी,
क्योंकि आपके प्यार से ही हम चलते हैं, आपके प्यार से ही हम बोलते हैं, आपके प्यार का, आपका प्यार मिलता है तो हमें भोजन मिल जाता है, हमारे लिए आपका प्यार ही भोजन है। तो बस मैं बस अपील करने आया हूँ कि अपने बेटा खेसारी लाल यादव को सोना क्या हुआ अंकित पांडे जी, अरे तो बाबा हर बार सोना रउल उनके देहा लवे ना सोनवा, खेसारी के लगे कहाँ सोना बाजे सोना पे नहीं है, ये रउआ सबके प्यार है, रउे सबके पैसा से आदमी इतना जौन भी पहनेला चाहे ओढ़ेला चाहे खाला चाहे पिएला चाहे घूमेला, रउे सबके प्यार के वजह से न सब होला बाबा। हसमुखी सनी जी लव यू भाई, सबके प्रणाम। तो सोना पहनेंगे बाबा, डर लगता है अब थोड़ा सा पहनने में कि आप तो जानते ही हैं ये हंगामे कितने होते हैं, हम कुछ भी बोलते हैं तो उसका गलत मतलब निकल जाता है, लेकिन आप लोग का प्यार मेरे साथ है तो मैं किसी से डरता नहीं और मैं आप सबके प्यार में ही हूँ। आप लोग कभी कभी नाराज़ भी होते हैं, वो भी आपका अपनापन है, और आप इतने प्यार देते हैं तो आपको नाराज़ होने का भी हक है, तुम्हारी कोशिश रहती है। सुपर हिट आप सब ने ही बनाया है, आप सबके प्यार ने बनाया है, बशर्ते मैं यही कहूँगा कि कभी कभी कोई मुझे कुछ बोलता है तो किसी को आप लोग गाली गलौज मत करिएगा, क्योंकि सबकी माँ बहन एक होती है, जिस तरह उसकी माँ बहन है उस तरह हमारी भी माँ बहन है, तो हमें अपनी बातें रखनी है। आप मुझसे प्यार करते हैं वो जायज़ है, लेकिन उसमें किसी को तकलीफ देने की ज़रूरत नहीं है। उसने अगर मुझे बुरा बोला तो उसने अपनी ज़ुबान ख़राब की, तो उस पर छोड़ दीजिए। आज मैं बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अगर वही आदत रही तो हर आदमी उसको बर्दाश्त नहीं करेगा ना, तो इसलिए सलीनता से जीवन को चलाना है। किसी के लिए किसी को गाली देने की ज़रूरत नहीं है, आपका प्यार मेरे लिए जायज़ है, लेकिन उसमें उस प्यार में किसी को तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। जे आपने उनको गाली दे दिया, ग्लोच कर दिया, ये अच्छी बात नहीं है किसी को भी। अगर आपको लगता है कि नहीं खेसारी भैया को किसी ने गाली दिया तो आप मुझे गाली दे दीजिए कि खेसारी भैया आपको हम गाली देंगे, आप अगर हमें गाली देने से मना कर रहे हैं तो आपकी भड़ास खेसारी अपने भाई पे निकाल लीजिए, लेकिन किसी को दूसरे को गाली मत दीजिएगा, क्योंकि वो भी एक सम्मानित हो सकता है, या उसकी भी माँ हमारी माँ की तरह है, उसकी भी बहन हमारी बहन की तरह है। तो किसी को भी सोशल मीडिया पे मैं आप सबसे अपील यही करूँगा कि बस प्यार करिए। आप लोग इतने खूबसूरत हैं कि आप तो किसी को कुछ भी बना देते हैं, आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर वो ताकत है, और ये फेसबुक जरिया है आप सबसे मिलने का, तो फेसबुक का यूज जो हो, मैं हर ब्राह्मण का इज्जत करता हूँ अंकित भाई, हर ब्राह्मण का इज्जत करता हूँ, हर ब्राह्मण मेरे लिए सम्मानित होता है, क्योंकि मैं ही नहीं, वो हर जाति के वर्ग ब्राह्मण के लिए अपनी जान देते हैं, क्योंकि ब्राह्मण कुल ऐसा होता है कि शायद उसको हमारे बाप दादा पूजते आए हुए हैं, और ब्राह्मण एक ऐसा कुल है जो हर आदमी का सम्मान और हर आदमी को प्रतिष्ठा के रूप से देखता है। पंडित अवनीश शुक्ला मनीष गोल लगता नहीं बाबा, बस प्यार में बनौले नहीं लो, आशीर्वाद देते नहीं लो ऐसे ही अपने भाई के, तो बस मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन आप लोग खुश रहेंगे तो हमारी आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। तो बस यही कोशिश रहेगी कि आप लोग प्यार दीजिए, और जो मेरे गाने रिलीज हुए हैं उसको ढेर सारा प्यार दीजिए, काजर का के जैसी भी, और जो हमारा सिनेमा आप लोगों देख रहे हैं जिसके डायरेक्टर हमारे लाल बाबू पंडित जी हैं, मैं उसमें एक्टर हूँ, संजय पांडे जी, बहुत सारे लोग हैं, संजय महानंद जी हैं, अरे सीपी भट्ट जी हैं, आपके हमारे मास्टर जी हैं महेश मास्टर जी, और उसके म्यूजिक डायरेक्टर हमारे दो खूबसूरत बड़े प्यारे भाई हैं जिनका नाम है श्याम आज़ाद, ये दोनों ने उसका म्यूजिक दिया है। तो उन लोगों को भी ढेर सारा प्यार दीजिएगा, उन लोगों ने पहली बार मुझे म्यूजिक दिया है और बड़ा प्यारे गाने बनाए उन लोगों ने, तो बस आप सबके प्यार की ज़रूरत है उन दोनों बच्चों को, और दोनों के लिए आप सबका प्यार ही बहुत बड़ा है। लव यू कंचन जी, लव यू भाई, सबको प्रणाम। अमित कुमार जी सबको प्रणाम। अनीश भाई लव यू भैया, प्रणाम भैया।
तो बस यही प्यार लेने के लिए चिंटू ओझा जी गोड़ लगतनी बाबा प्रणाम करतनी, आशीर्वाद में बनौले रही अपने भाई के। रितिन मुकेश लव यू भैया, प्रणाम भैया। अंकित पांडे मेरा भाई, लव यू भाई अंकित जी। तो बस यही कहने आया हूँ कि एक अच्छी सिनेमा हम लोगों ने बनाई है जो अश्लीलता से दूर है और एक अच्छा सिनेमा है, तो अच्छे सिनेमा के आप सब बढ़ावा देंगे, जिसके डिस्ट्रीब्यूटर हमारे निशांत प्रशांत जी हैं और जो कंपनी ने ऑडियो वीडियो सेटेलाइट सब कुछ आज प्रमोट कर रही है वो वर्ल्ड वाइड है, जो रत्नाकर भी है मेरे बड़े भाई हैं, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। म्यूजिक डायरेक्टर उसके हमारे आजाद और श्याम श्याम आजाद जी हैं और उसके डायरेक्टर हमारे लाल बाबू पंडित जी ने हैं जिन्होंने बहुत सारे खूबसूरत सिनेमा बनाई है। तो प्लीज़ मैं आप सबका प्यार में रहना चाहता हूँ और कल हॉल तक जाकर अपने इसको खूब शेयर करिए। और ये मेरी ओरिजिनल आईडी है तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, अगर जिसको भी जुड़ना होगा तो मेरे पेज से जुड़ेगा। और बहुत सारी फेक आईडी है तो प्लीज़ आप लोग इसको इतना शेयर करिएगा ताकि दुनिया को पता चले कि नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो मिसयूज करते हैं चीज़ों को और लोगों को बहकाने का काम करते हैं। तो प्लीज़ आपका भाई का ये ओरिजिनल आईडी है तो इस भाई को अपना आईडी समझ के और प्यार और खूब शेयर करिए और कोशिश करिए कि उस सिनेमा को देखने के लिए हर परिवार जाए, क्योंकि खूबसूरत सिनेमा है। जिस तरह आप लोगों ने संघर्ष देखा, मेहंदी लगा के रखना देखा, उसी तरह के एक सिनेमा हम लोगों ने कोशिश की है बनाने के लिए। तो ढेर सारा प्यार दीजिए और कल बता दीजिए कि आप अपने भाई से कितनी मोहब्बत करते हैं। तो लव यू ऑल और सबको प्रणाम। पवन पांडे जी को दिल से थैंक यू, उन्होंने एक अभी गाना जो बताया अभी लिखा मैं जैसी भी वाला, उनको भी शंकर सिंह जी को भी, और अभी जो काजर करके चले चितकबरी उसके राइटर हमारे आजाद जी और श्याम जी और उसके म्यूजिक डायरेक्टर हमारे आशीष वर्मा जी जिन्होंने बहुत अच्छा म्यूजिक भी दिया है। तो बस दिल से प्रणाम और ऐसे ही कन्हैया पांडे जी गोड़ लगतनी भैया और शादी होते जान भुला जाए भूखा हो कि हमारा खोटा से खुला जाए भूखा हो, शादी होते जान भुला जाए भूखा हो। तो ये गाना भी लिखा था उन्होंने, आपके आपके ही ब्यादरी ने लिखा था ये गाना, जिनका नाम है पवन पांडे जी, जो मेरे गांव से बिलोंग करते हैं, बड़े अच्छे हैं, इंसान भी हैं। तो बस ऐसे ही प्यार में बनाए रहिए और मैं दुआ करता हूँ कि आप सब ऐसे ही, और मेरे तरफ से कल हमारे जितने भी मुसलमान भाई हैं सबको ईद का ढेर सारा शुभकामना। और मैं अपने मैं रहता हूँ जब गांव में तो हमेशा मैं जाता हूँ, एक मेरे दोस्त हैं मस्कूर भाई जो कि नगरा से हैं छपरा के बगल में, तो जब भी मैं जाता हूँ तो गांव में रहता हूँ तो बड़ा मिस करता हूँ, मैं अगर बाहर रहता हूँ तो उस घर को मिस करता हूँ। और बड़े प्यारे लोग हैं, सब लोग बड़े प्यार करते हैं मुझे और मैं, लेकिन कल अगर रहूँगा तो मैं जितने भी हमारे दोस्त लोग हैं जो मुस्लिम वर्ग से हैं मैं सबके घर पे जाऊँगा सेवई खाने के लिए। और मैं चाहूँगा कि जिनको मैं प्यार जिन जो मुझे प्यार करते हैं आप प्लीज़ मुझे मैसेज करिएगा कि भाई आप मेरे साथ मेरे पास आइए। ऐसे तो मुझे कल कहीं निकलना है आउट ऑफ बाहर मुंबई, लेकिन कोशिश रहेगी मेरी कि मैं आप सबसे मिलूँ और आप सबका प्यार पाऊँ। तो ईश्वर आपको ऐसे ही नितेश जी ऐसे ही ईश्वर करे आप आगे बढ़िए, ढेर सारा प्यार आपको मिले। लव यू प्यार सबको दिल से थैंक यू और ईद की ढेर सारी शुभकामना आप सबको कि आप सबका जीवन ऐसे ही खुशमय बना रहे और आप हंसते रहिए खिलखिलाते रहिए। और कल प्लीज कुंवर कुंवर सत्यम सिंह जी लव यू भाई, तो लव ही सबको प्रणाम। और पिंटू सिंह जी लव ही पिंटू भैया, प्रणाम भैया सबके दिल से प्रणाम। सूरज भरद्वाज जी गोड़ लगतनी भैया भाई प्रणाम। अलोक अलोक आई लव यू टू भाई लव यू टू। सन्नैन अंसारी ईद की ढेर सारी शुभकामना भाई। प्रदुमन परदेसी लव ही प्रदुमन भाई, प्यार ढेर दिल से थैंक यू भाई कैसे ही। और मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ कल जाकर और अपने भाई को आशीर्वाद देने के लिए कल हॉल तक जाइए और ढेर सारा प्यार दीजिए, बस यही कहना चाहता हूँ। और दिल से थैंक यू कि आप लोग मेरे से इतना बात किए और चैटिंग किए, उसके लिए मैं चाहूँगा कि ऐसे ही ईश्वर करे कि ऐसे ही आप लोग खुशी में रहें,
ताकि जब भी हम फेसबुक पे आएं तो आप सबका प्यार आशीर्वाद के रूप में मुझे मिल जाए। और कोशिश हमारी रहेगी कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे आप लोग को तकलीफ़ होगा और दिक्कत होगी। हम एक कलाकार हैं और कलाकार सबका होता है। हम कहीं जाते भी हैं तो उसमें हमारा स्वार्थ यही रहता है कि उसी बहाने, चाहे वो किसी भी पार्टी के आदमी हो, उस पार्टी के जो भी आदमी होते, उसी बहाने उन पब्लिक से मिलकर हम अपनी बातें और अपना प्यार जता देते हैं और उनका प्यार और आशीर्वाद मिल जाता है। बाकी कोई इच्छा नहीं। और मैं पॉलिटिक्स नहीं हूँ भाई, और ना ही मुझे कहीं पॉलिटिक्स में किसी में जाना है। किसी का प्रचार करना वो अलग मैटर हो गया, और वो अलग एक नीति हो गई कि हाँ कोई अपना है तो उसके लिए आदमी चला गया। लेकिन हम किसी पार्टी के नहीं, हम आपके हैं और आपके अलावा किसी के नहीं हैं। आप किसी पार्टी में रहिए और हम वहाँ पे आएंगे और आपका प्यार पाएंगे। बस मेरी यही इच्छा होती है, बाकी कोई स्वार्थ नहीं होता है कि हम किसी पार्टी को सपोर्ट करें। जी नहीं, हम उस पब्लिक के लिए जाते हैं जो उस पार्टी में लोग हैं, क्योंकि प्यार तो हर जगह होता है ना, और जनता तो सबके दिल में होती है। तो जनता के दिल में हम हमेशा हैं, चाहे वो किसी पार्टी में हो। तो उस पार्टी से मुझे कोई लेना देना नहीं होता है, उस जनता के लिए जाता हूँ जहाँ पे मुझे प्यार मिलता है और आशीर्वाद मिलता है। क्योंकि ये जनता किसी पार्टी की नहीं होती है, जनता तो भगवान की तरह होती है, मंदिर की तरह होती है। और उसमें मैं बस फूल, श्रद्धा का फूल चढ़ाने जाता हूँ, और बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। और मैं किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करने वाला और ना ही करूँगा। आप सबका प्यार मिलता रहेगा, इसी में मैं बड़ा खुश रहता हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और कल मेरा कुली नंबर 1 सिनेमा रिलीज हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ आप जाइए और ढेर सारा प्यार दीजिए, ताकि आप उसी प्यार के बदौलत एक आशीर्वाद स्वरूप और लोग कहें कि हाँ खेसारी एक अच्छा सिनेमा किया है। और ज़रूर बताइएगा कि वो सिनेमा कैसा लगा आप सबको। मैं फिर लाइव आऊँगा, कल के बाद आऊँगा, ताकि आपसे पूछ सकूँ कि आप लोगों ने सिनेमा देखा, आपको कैसा लगा। गलत होगा तो भी बताइएगा कि नहीं भैया कुछ कमियाँ हैं, या सही होगा तो भी बताइएगा कि सिनेमा कैसा बना है, ताकि आपका प्यार ही अगर सही होगा तो एक ज़रूर पोस्ट कर दीजिएगा कि सिनेमा कैसा बना है, कितना अच्छा है, ताकि उसको देखकर और लोग भी आकर और मुझे आशीर्वाद दे सके और मेरे पूरे कुली नंबर 1 के टीम को आशीर्वाद दे सके। संजीव जायसवाल जी, लव यू संजीव भैया, तो दिल से थैंक यू, लव यू प्यार। ऐसे ही बनाए रखिए और ऐसे ही हंसते रहिए, ताकि मैं जब भी आऊँ तो आप लोग को ऐसे ही हंसते हुए देखूँ और आप सबका प्यार और आशीर्वाद मुझे मिल जाए। संदीप शाह जी, लव यू भैया, प्रणाम, सबके प्रणाम। अंकित पांडे जी कहीं जा रहे हैं, एक मीटिंग है, मैं अभी मुंबई से बाहर हूँ और कल भी मैं शायद बाहर ही रहूँगा, कुछ काम है मेरा तो कहीं जा रहा हूँ बाई रोड। तो बस यही प्रार्थना है आप सबकी, आप ऐसे ही प्यार और तो बस यही प्यार में, मैं जनता के प्यार में रहना चाहता हूँ, आप सबकी मोहब्बत में। प्लीज़ मुझे किसी पार्टी से मत जोड़िएगा, और ना ही मैं जुड़ूंगा। कहीं जाता हूँ किसी नेता के लिए, तो वहाँ वो पब्लिक होती है ना, उस पब्लिक का प्यार पाने के लिए जाता हूँ, उसका आशीर्वाद लेने जाता हूँ। वहाँ पार्टी मायने नहीं रखती। तो चाहे वो किसी भी पार्टी में आप समर्थन करते हो, लेकिन अगर मैं नहीं जाऊंगा तो उनको तकलीफ लगेगी, उनको दुख, कि मेरे लिए तो हमारे लिए ना कोई जाति है और ना ही कोई पार्टी है। मेरे लिए तो मेरी जात भी आप सब हैं, मेरी पार्टी भी आप सब हैं, वो जनता है। तो बस प्यार में रखिए अपने। बड़ा खूबसूरत हूँ, आप सबका बेटा हूँ ना, तो आप सबके गोद में रहना चाहता हूँ। मैं जवान नहीं बनना चाहता, क्योंकि जवान होने के बाद तो पिता भी अपने बच्चे को गोद से उतार देता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आजीवन बच्चा बन के आप सबके गोद में खेलूँ। मैं कोशिश हमारी यही रहती है, और मैं भी इंसान ही हूँ ना, कभी कभी गलती अगर हो जाती है तो अपना भाई अपना बेटा समझ के आप सब क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि आप इतना प्यार करते हैं तो आपको हक है क्षमा करने का भी, और आप लोग गार्जियन स्वरूप होते हैं, भगवान स्वरूप। और आपके बीच में कभी कभी इंसान हूँ तो गलती तो हो ही जाती है, तो हो सकता है जो कभी मैंने आपका दिल दुखाया हुआ, उसके लिए भी सॉरी मांगता हूँ आप सबसे। तेरे संग कभी नहीं जाऊंगा होटल, तू तो वीडियो बना के कर देगी वायरल। ये गाना रिलीज हो चुका है वर्ल्ड वाइड से, तो ढेर सारा और बहुत सारे गाने रिलीज हो चुके हैं वर्ल्ड वाइड से, वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड है, जो कि रत्नाकर भैया ने बहुत अच्छे प्रमोशन कर रहे हैं और आप सबके बीच में पहुंचाने का। तो उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा प्यार दीजिए, उस चैनल से जुड़िए, हर चीज़ आपको सुनने को मिलेगा। कन्हैया बाबा प्रणाम, बाबा प्रणाम, थैंक यू कि आप इतने दिन से मुझे शुरू से सुनते आ रहे हैं और प्यार और आशीर्वाद देते आ रहे हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं, नहीं समझ में आ रहा है। आपने कर्जा लाद दिया हम पे, अपने इस भाई पे, अपने बेटा पे। तो वैसे ही प्यार में बनाए रखिएगा, और कभी कुछ गलती हो जाए तो
प्लीज उसको क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि आप ही मेरे सब कुछ हैं मेरे जीवन में, क्योंकि मैं आप सबके साथ जितना मेरी टाइम गुजरती है मैं अपने माँ बाप के साथ उतना नहीं गुजार पाता हूँ, क्योंकि मैंने अपने माँ बाप के साथ कभी कभी, क्योंकि मैं बाहर ही रहता हूँ, शूटिंग पे रहता हूँ, तो वो लोग तो घर पे रहते हैं, तो हमारी वाइफ हैं बच्चे हैं वो लोग खुश रहते हैं उनके साथ, लेकिन मैं बहुत कम रह पाता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, ताकि आप सबके लिए हमेशा कुछ सोचूँ तो आप सबके लिए ही सोचूँ, और सोचता भी आप ही सबके लिए हूँ, बाकी किसी के लिए नहीं, क्योंकि मेरे जीवन में सबसे बड़े अनमोल अगर कोई हीरा है तो वो मेरी जनता है और आप सबका प्यार है। बस इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे कॉल आ रहे हैं कुछ लोगों के, मेरे अपनों के, तो मैं बस इसी के साथ और कुली नंबर वन को ढेर सारा प्यार देने कल प्लीज जाइए, आप सबसे रिक्वेस्ट है, और प्यार और आशीर्वाद देने के लिए। थैंक यू, लव यू ऑल।